किड्स नाउ इट इज अ एक्टिविटी टाइम, आई विल टीच यू सॉर्टिंग एक्टिविटी। अब आपकी मिस आपको सॉर्टिंग करना सिखाएगी, किसके थ्रू? एक्टिविटी के थ्रू। आपकी नॉलेज थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके किड्स, ओके। नाउ आपकी मैम ने आपको क्या बताया था, आपकी टीचर ने, आपकी क्या होगी इससे? नॉलेज गेन होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉलेज गेन हमारी आपकी कैसे होगी किड्स। ओके किड्स, ओके किड्स, व्हाट इज दिस किड्स? क्या है ये? पल्सेस। क्या है बेबी ये? पल्सेस। ओके, आपको पता है पल्सेस क्या होते हैं? नहीं पता तो आपको पता है इस पल्सेस का क्या नेम है? नहीं पता ना, तो मैं आप बताती हूँ क्या है। इसे कहते हैं किडनी बीन्स। क्या कहते हैं बेबी? किडनी बीन्स। वेरी गुड आलोक। आपको ये पता है ये कौन सी पल्सेस है? ओके, मैं आपको बताऊंगी क्या। इसे कहते हैं चिक पीस। क्या बोलते हैं बेबी? ओके, आप किडनी बीन्स को और चिक पीस को आपको अलग करना है। अलग का मतलब सॉर्टिंग एक्टिविटी, मतलब अलग अलग रखना है आपको बाउल्स में। ये बाउल कैसे है हमारे? खाली। खाली को पता है आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में? नो मिस। एम्प्टी, एम्प्टी बाउल। व्हाट इज दिस? एम्प्टी बाउल। ओके, अब आलोक आप दोनों पल्सेस को अलग अलग बाउल में रख दीजिए। ओके आलोक, वी स्टार्ट। आलोक, वेरी गुड। आलोक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके किड्स, देखो कितनी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है ये बेबी, है ना? आपको भी ये एक्टिविटी ऐसे ही अपने घर पे करनी है। इससे क्या होगा, आपकी सोचने की लर्निंग पावर और भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, सॉर्टिंग एक्टिविटी, चीजों को अलग अलग ढूंढ रहे हैं, मतलब सर्च करके ढूंढ के अलग रख रहे हैं। ओके किड्स, आपको ये वाली एक्टिविटी अपने घर पे जरूर ट्राई करनी है। ओके किड्स।